बिहार के छपरा जिले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के काफिले पर पथराव, एक युवक हिरासत में। अगले हफ्ते यूपी दौरे पर रहेंगे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, स्पेशल ट्रेन से पहुंचेंगे काशी। गोरखपुर से 20 साल तक विधायक रहे डॉक्टर अग्रवाल फिर से करेंगे मरीजों का इलाज, पेशे में वापसी। केजरीवाल को बड़ा झटका, प्रदेश अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल, चुनाव से पहले आपका सफाया। सीएम योगी बोले, जब तक गरीबों को आवास नहीं मिलेंगे तब तक नहीं उजड़ेंगे उनके आशियाने। नई औद्योगिक नीति लाएगी सरकार, 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य, नंदी बोले नोएडा बनेगा नेटवे ऑफ यूपी। जेपी नड्डा का हिमालय दौरा आज से, शिमला में खींचेंगे चुनाव का खाका। गुजरात के स्कूलों का दौरा करेंगे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, कहा बीजेपी में सत्ता का अहंकार। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का इशारों में चिराग पर हमला, कहा प्रयास में लगे थे, मंसूबों पर फेर दिया पानी। प्रयागराज पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, दरोगा के बेटे आशीष की हत्या के मामले में असला सहित आरोपी हुआ गिरफ्तार। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर